नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। मीडिया में एक खबर चल रही है तेज प्रताप यादव के बारे में कि वो जल्द ही पटना वापस लौट आएंगे। 23 नवंबर जो गुरु पूर्णिमा है, गंगा स्नान करने के बाद वो पटना लौट आएंगे और तलाक की अर्जी पर आखिरी फैसला लेंगे। इसके साथ ही खबर में यह भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का मन पिघल गया है। जो घर वाले पिछले दिनों लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की, इससे वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पड़े हैं और वो हो सकता है कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के खिलाफ दायर तलाक याचिका को वापस ले लें। सिटी पोस्ट लाइव बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता है कि यह खबर पूर्णतः असत्य और झूठ है। इस खबर के नाम पर एक अफवाह फैलाई जा रही है। बुधवार के शाम को सिटी पोस्ट लाइव से खुद तेज प्रताप ने बात करते हुए बताया है कि उनके बारे में जो मीडिया में ये खबर चल रही है कि वो वापस लौट आएंगे और तलाक पे आखिरी फैसला लेंगे, हो सकता है कि संभवतः वो तलाक की अर्जी को वापस ले लें घर वालों के कहने पे, इस खबर को उन्होंने खंडन किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के खिलाफ जो तलाक की याचिका दायर की थी उस पर अभी भी वो अडिग है। दरअसल खबर यह चल रही है कि 19 नवंबर को जब राबड़ी देवी कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली आई थी तो उस दिन तेज प्रताप यादव और राबड़ी यादव की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में राबड़ी देवी ने तेज प्रताप यादव को मनाने की कोशिश की, उसके बाद कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट पड़े हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने खुद इस बात का खंडन किया है कि उनकी परिवार के किसी भी सदस्य से ना तो कोई बात हुई है और ना कोई मुलाकात हुई है। आगे इस संदर्भ में हम तक कोई भी अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।